न्यूज़ चैनल। नगर पालिका कर्मचारियों ने छापा मारने के बहाने से घरों में घुसकर औरतों के साथ की धक्का मुक्की। मोहल्ले वासियों ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरौला के मोहल्ला सैफी नगर में नगर पालिका कर्मचारियों ने पॉलीथीन छापेमारी के दौरान शराब के नशे में घरों में घुसकर औरतों के साथ बदतमीजी कर उनके साथ धक्का मुक्की करने से एक महिला हुई बेहोश। बता दें कि पूरा मामला गजरौला के मोहल्ला सैफी नगर स्थित फलों के गोदाम का है, जहां पर नगर पालिका परिषद से पॉलीथीन की छापेमारी की सूचना पर आई नगर पालिका की टीम ने घरों में घुसकर औरतों के साथ बदतमीजी करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की कर दी, जिससे एक महिला को दिल का दौरा पड़ गया और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई, जिससे चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गौरतलब हो कि मोहल्ला सैफी नगर में सिकंदर पुत्र कलवा के मकान पर नगर पालिका परिषद गजरौला की टीम पॉलीथीन के मामले को लेकर छापा मारने गई थी। जैसे ही टीम सिकंदर के मकान पर पहुंची, तो घर में सिकंदर की पत्नी गुलशन व उसकी पुत्री मौजूद थी। घर में किसी पुरुष की गैर मौजूदगी में महिलाओं के काफी विरोध करने पर नगर पालिका की टीम सिकंदर के घर में घुस गई और वहां पर मौजूद रेड़ी पटरी वालों के लिए प्रयोग में आने वाली रखी पॉलीथीन को जैसे ही उन्होंने वहां से उठाया तो महिलाओं ने इसका विरोध किया। इसी बीच नगर पालिका परिषद गजरौला में बाबू के पद पर कार्यरत अजय गोस्वामी ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर दी और मामले को निपटाने के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की, जिससे गुलशन वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। मोहल्ले में हंगामे के दौरान गुलशन को बेहोश हालत में देख मोहल्ले वासियों ने पालिका की टीम को घेर लिया। उसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले मोहम्मद शराफत अली ने मामले को बढ़ता हुआ देख नगर पालिका की टीम के बाबू अजय गोस्वामी को उग्र भीड़ से बचाने के लिए अपने मकान में बने कमरे में ले गए और बाद में मोहल्ले वासियों से बचाकर पुलिस को सौंप दिया। अपनी कमियों को देखते हुए मोहल्ले से बाहर निकलकर सड़क पर खड़ी नगर पालिका की गाड़ी का सफाई कर्मचारियों ने डंडा मारकर खुद ही शीशा तोड़ दिया और मोहल्ले में नगर पालिका की टीम पर झूठी पत्थरबाजी की, अफवाह फैलाकर दिलदार व उसके भाइयों को फंसाने के लिए झूठी कहानी का रूप दे दिया और वहां से भाग निकले। बाद में सिकंदर भी वहां पर पहुंच गया और भाई दिलदार, फरमान व पुत्र नदीम को साथ लेकर जैसे ही पुलिस को सूचना देने पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और फटकार कर भगा दिया। आरोप है कि वहां पर मौजूद नगर पालिका कर्मचारी में कार्यरत बाबू अजय गोस्वामी के बेटे ने सिकंदर के भाई अंसार के साथ मारपीट शुरू कर दी और उनके द्वारा थाने के लिए लिखी तहरीर भी फाड़ कर फेंक दी। बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारी शराब के नशे में धुत थे और घरों में घुसकर महिलाओं के साथ पॉलीथीन की चेकिंग के बहाने से बदतमीजी करने लगे। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि आए दिन नगर पालिका की टीम अवैध तरीके से पैसों की उगाही करने के लिए मोहल्ले में आकर पॉलीथीन के नाम पर चेकिंग करने लगती है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि रिश्वत के रूप में पहले भी नगर पालिका के बाबू अजय गोस्वामी रिश्वत के नाम पर 50,000 रुपए की उगाही कर चुके हैं। इस बार 1 लाख रुपए की रिश्वत न देने पर उन्होंने पूरे मामले को दूसरा रूप दे दिया है और पुलिस ने भी दिलदार, सिकंदर, फरमान आदि के खिलाफ कार्यवाही कर दी। क्या नाम है आपका? जी गुलशन, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या मामला हुआ आपके यहाँ जो साइकिल लगा रहे हैं उसके बारे में? 15-16 उन्होंने किवाड़ खुलवा नहीं, किवाड़ खोल के देखा उसके बोलते कि चेकिंग हो गई, मुझे कहा कि चेकिंग हो गई, पंडित जी ने बहुत रोकने की कोशिश की है, घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, जहाँ हमारे फलों का काम होता है कोई ज़्यादा पन्नी नहीं थी हमारे पास, कोई वो नहीं थी, वो भी रुकी हुई थी पहले लॉकडाउन की, अब उन्होंने तो काम खटा हमारा तो उसका काम होता है फलों का, किसी से नहीं पता कर लेना आप, हमारे फलों का काम होता है तो एकदम मुझे धक्का दे दिया उन्होंने। मुझे बेहोश थी तो बेचारे सब मेरे ऊपर लग गए, फिर मुझे नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, आपके हाथ में जो लगी हुई है ये सब मेरे जो गिरी सब चूड़ी उड़ी लगी सब सिर गिर सब उन्हें चोट लगी हुई मेरे घुटनों में भी सब में नील पड़े हुए मेरा। अच्छा, आपके हाथ में कैनू लगा हुआ है, कैसे लगा? ये बोतल वगैरह लगी आपको? हाँ, हाथ की कैसे कई सा हो गया था कल, वो भी मुझे कम से कम 5-6 घंटे में आया कल। अच्छा, जब आपको जो है नगर पालिका कर्मचारी ने कर दिया फिर आप बेहोश हो गए तो कैसे क्या हुआ? बेहोश हुआ सर, 1 लाख रुपए मांग रहे थे। कितने मांग रहे थे? 1 लाख रुपए ये मांग रहे थे,
मोटे मोटे सूटर जो आते थे निजाम के नाम से कौन थे मोटे मोटे सूटर, उन्होंने जो 1 लाख रुपया मांगा, मैंने कहा कि हम तो गरीब आदमी हम कहाँ से 1 लाख रुपया देंगे, मैं घर में गई थी क्या 1 लाख रुपया देने से तुम मरी कहूँगी क्या, हम कहाँ से देंगे 1 लाख रुपया तुम 1 लाख रुपया किस चीज़ के देंगे, किस चीज़ के मांग दोबारा मांग रहे थे रिश्वत मांग रहे थे 1 लाख रुपया हम कहाँ से देते सर, हम गरीब आदमी हैं, हमारे तो एक टीएम है, हमारे खर्चों के लाले पड़ रहे थे, हमारा जब से क्या खत्म हुआ परेशान है फिर वो माली ने धक्का मुक्की हो गई, उसमें गिर गई एकदम। तो फिर आपने इसकी शिकायत पुलिस वगैरह से की या आपने आपके जो मतलब पुलिस हमारी सुनवाई का नहीं है, पुलिस हमारी सुन ही नहीं रही, सब ओर से गई धक्का मुक्की करी और भले हमारे पीछे डंडा लेके पुलिस वाले आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई सर हमारी। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं हमारे 5 आदमी पूरा घर का खाने में। अच्छा उनको उल्टा आप ही के जो मतलब घर के सदस्य उनको पुलिस ने बंद और उन्हें 5 आदमी को हमारे बंद कर दिया, पुलिस वालों ने उन्हें कुछ भी नहीं किया और उन्हें बंद कर दिया हमारे यहाँ से। अब ये बताओ अगर तुम्हें कोई भी काम बंद करवाना है पूरे ही फैक्ट्री में बंद करवाओ जाकर, पूरे गजरौले में ही चली जाइए कोई भी चीज दुकान पे कहीं भी देख ना ले हम किसी भी दुकान पर अगर तुम असल के हो तो। अच्छा ये लोग जो है मतलब इस तरह से आते रहते हैं क्या है बताइए क्या। अब पीछे छापा मारा था सर, पीछे भी छापा लगा, उनसे 50,000 रुपया लेगा ये रिश्वत का। अच्छा 50,000 रुपये पहले ही रिश्वत के लिए। हाँ किसने लिया था ये रिश्वत, रिश्वत ली थी उन्होंने पालिका वालों ने और इसका बहुत पनी लेगा नहीं कि ठाकर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सराफत जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शेरबीनगर गजरौला केले गोदाम। बताइए आपके यहाँ अकेले गोदाम पर जो कोई मामला हुआ है उसके संबंध में? हमारा छोटा भाई है सिकंदर, वो पन्नी पहले 2 महीने पहले पन्नी पकड़ी गई थी हमारे सामने जाफर की थी और एक फरमान है उनकी पकड़ी गई थी, अजय गोस्वामी भी पकड़ गई थी, हमने उनसे मैंने कर दिया हुआ पन्नी का काम बंद कर दिया। अच्छा अजय गोस्वामी कहाँ रहते हैं? ये अजय गोस्वामी टॉप में बाबू है, उन्होंने पन्नी पकड़ी ये पॉलोथीन जो केले वेले भरे गए थे ये वाले तो ये लोग इनका काम करते हैं बहुत काम करते थे, अब तो फिलहाल पत्नी ही बंद कर रखा था और घरों में रह रखी थी क्योंकि काम एक तो। अच्छा आपने जो बताया तो ये 2 महीने पहले वाला मामला बताया, 2 महीने पहले हुआ पन्नी पकड़ ली वो कल 3:30 बजे करीब सिकंदर आए थे घर में घुस गए। अच्छा फिर दोबारा थे अब 2 महीने के बाद कौन लोग थे? ये दोबारा अजय गोस्वामी थे और इनके साथ थे मैं जानता नहीं हूँ और 2 पुलिस वाले भी थे। अच्छा टाउन एरिया के थे मतलब कर्मचारी? टाउन एरिया के कर्मचारी पुलिस वाले। हाँ बाकी कर्मचारी सब बाहर थे, बाकी सब टीम अंदर ही ग्राम में, तो मैं पुलिस वाले से बोला भाई कि यहाँ कोई मर्डर या गैस खोल हो गए तो आप अंदर पड़ गए, बोला ना पन्नी देखने गए हैं तो पन्नी निकली है, बोला भाई पन्नी तो पुरानी पड़ी हुई है, इसकी 4 लोंडिये जवान है अपना जो भी अपना समझो समझ लो यार, तो अजय गोस्वामी ने 1 लाख रुपए मांगे, तो 1 लाख रुपए दे दो। अच्छा किस चीज के मांगे अजय? आपसे कोई कार्रवाई कुछ नहीं होगी। अच्छा आपका कहने का मतलब है कि रिश्वत के रूप में उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे जी, तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? कोई कार्रवाई नहीं जी। क्या नाम है आपका? मतलब अहमद। अच्छा ये आपने आपके मोहल्ला सैफीनगर में जो मामला हुआ है पूरा क्या मामला हुआ इसके बारे में? कल नगर पालिका के गजरौल नगर पालिका गजरौला की टीम आई पॉलोथीन का छापा मारने और उन्होंने यहाँ घर में घुस गए, घर में घुसकर इस तरह उपद्रव मचाया कि महिलाएं की चील पुकार बन गई और महिलाओं को डराया धमकाया, महिलाओं से कुछ रिश्वत के पैसे मांग रहे थे, जब महिलाएं रोई बिलबिलाई तो पूरे मोहल्ले के लोगों ने आकर के महिलाओं के सपोर्ट में नगर पालिका कर्मियों से बातचीत करी और नगर पालिका कर्मियों ने झूठ सच इल्जाम लगाकर चले गए। कितनी रुपए की रिश्वत मांगी? तकरीबन 1 लाख रुपए मांग रहे। किसने मांगी? ये कोई अजय कुमार गोस्वामी है। अच्छा ये जो पैसा मांगा गया था ये किसके एवज में मांगा गया, क्यों मांगा? ये पॉलोथीन पकड़ी इन्होंने, पकड़ के जब्त करने के बाद आपको हम छोड़ देंगे, हमें 1 लाख रुपए की रिश्वत चाहिए। अच्छा रिश्वत मांग रहे थे जी। अच्छा फिर मोहल्लेवासियों ने उसका विरोध किया? फिर मोहल्लेवासियों ने विरोध किया और महिलाएं बेहोश हो गई, महिलाओं पे काफी चोट भी है, तो
फिर मोहल्ले वालों ने जो विरोध किया उनका, तो उन्होंने रिश्वत मांगने का मोहल्ले वालों ने उनसे पूछा तो वो चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये सैफी नगर वासी थाने गए, चौकी गए, इनकी कोई सुनवाई नहीं, अस्पताल गए, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं बनी इन लोगों की, तो ये घर आके बैठ गए। कोई कहीं से कहीं तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात आगे तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि वादी को इंसाफ मिले और भविष्य में कभी सरकारी कर्मचारी या कोई सही बात किसी को आके किसी तरीके के कोई परेशान नहीं करे। अच्छा, क्या ये मामला इस तरह से आपको पता है कि आए दिन यहाँ पर ऐसा होता है? हाँ, सुनने में आया है, आए दिन होता रहता, पिछली बार भी हुआ, उससे पिछली बार भी हुआ, आए दिन होता रहता। ये मजदूर आदमी है, ठेला ठप्पड़ लगाते हैं, ठेली वाले पटरी वाले ये लोग हैं। अब ये पॉलिथीन में तो बेचते हैं, शहर में पूरा पॉलिथीन यूज हो रही है ताकि जबरदस्ती ने आगे डराया धमकाया जाता है। मेरा नाम नौशाद है, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद गजरौला से बात कर रहा हूँ। ऐसा था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मुझे जब पता लगा तो यहाँ पर अजय गोस्वामी जी आए हुए थे पिन्नी के उपलक्ष्य में। यहाँ पर पहले भी पिन्नी के एक दो बार पहले भी छापे लगाए हैं इन्होंने। अब जब उन्होंने छापे लगाए तो उनके मुंह खून लगा हुआ है यहाँ पर। अब उन्होंने छापे लगाने के, वो गरीब आदमी है, बहुत परेशान है, उसके बच्चे जवान है, उसकी बेटी जवान है, वो खुद परेशान है। तो उसके घर आने के बाद वो अकेले बड़े अंदर, और वो उसके क्या नाम है, शराब के नशे में थे जो कर्मचारी जी, कर्मचारी जो थे शराब के नशे में थे, बल्कि शराब के नशे में वो अंदर बढ़े, और अंदर घर में बढ़ने के बाद उन्होंने जो है जब बदतमीजी की महिला का धक्का दिया, महिला गिर गई उनकी घरवाली। जब गिर गई उनकी घरवाली तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो उत्पात हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। वो घबरा के जो है उन्होंने भी हाथापाई शुरू कर दी। थोड़ा सा उन्होंने भी जो पकड़ा पकड़ाई करी तो उन्होंने सोचा कि मारपीट हो रही। कोई उन्होंने मारपीट नहीं करी, कुछ नहीं करा। नमाजी परहेजगार आदमी है, पांचों टाइम के नमाजी आदमी है वो। आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ उनके साथ। तो इतना बड़ा बोले पथराव हो गया, ये हो गया, मीडिया वालों ने बाकी ना और ने ये निकाल दिया, बोले पथराव हो गया। यहाँ बताओ पथराव, कोई पथरी है कोई पड़ी भी? यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे, उसमें आप फुटेज में देख सकते हैं। लेकिन एक तरफा ये वो हो रही है जांच, तो ये जांच कोई हो रही है भाई? ये तो एक राजनीति हो रही है भाई। जांच हो तो एक तरफ हो ना, जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि अगर इनकी गलती है तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए, और उनकी गलती तो उन्हें मिलनी चाहिए। ये कोई है क्या करो? सरकारी कर्मचारी तो किसी का गलत काम करेंगे, किसी घर में जाकर अत्याचार करेंगे या महिलाओं से बदतमीजी करेंगे? प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।